गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में देखते हैं। एक बार देखिए, हम कम टाइम में अधिक कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप वीडियो को पुनः रिपीट करके देखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, प्रकृति में कुल 118 के आसपास तत्व हैं, उनमें से कार्बन भी एक है। अब समझते हैं कि उन 118 तत्व में से कार्बन को ही हम अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं। यही नहीं कि कार्बन चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का एक पार्ट बन जाता है, जिसे आगे हम लोग पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ना है। अब मन में सवाल आता होगा कि कार्बन चैप्टर को हम लोगों को अलग से क्यों पढ़ना है। भूपरपट्टी में पाए जाने वाली खनिजों में कार्बन की मात्रा 0.02%, जबकि वायुमंडल में 0.03% उपस्थित। अब देखते हैं, प्रकृति में इतना कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद दुनिया में अधिकतर यौगिक कार्बन तत्व के ही बने हैं। आसपास हम कार्बन के यौगिकों से घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी कार्बन के यौगिक से कुछ न कुछ परसेंट बना हुआ। अब देखिए, इस्पात में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें लोहा में अगर हम कार्बन की मात्रा को मिला देंगे तो कठोर बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। और उसमें अगर निकेल भी मिला देंगे, यानी कार्बन निकेल और इस्पात लोहा मिलाएंगे तो इस्पात बन जाता है। अब देखिए, सारी वस्तुएं, खाने पीने सामग्री, चीनी वगैरह जितना भी है, खाने पीने सामग्री, पेट्रोल, शराब, सारी चीजें जितने हैं, सब कार्बन के यौगिक से अधिकतर बने हुए। कार्बन बोर्ड हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, अधिकतर चीजें कार्बन से बने हैं। देखिए, हम लोग जो पहनते हैं कपड़ा, ये भी कार्बन से बना हुआ। छोटा छोटा बाबू लोग का खिलौना, टोपी, ये सारी चीजें, और दवाई, मतलब दुनिया में अधिकतर चीजें कार्बन की यौगिकों की ही बने हुए। अब समझते हैं, प्रकृति में इतनी कम मात्रा होने के बावजूद अधिक यौगिकें पाए जाते हैं। प्रकृति में बहुत सारे यौगिकें पाए जाते हैं, क्या कारण? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कार्बन का परमाणु संख्या देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, संयोजकता देखेंगे, इनके बहुत सारे गुणधर्म देखेंगे, तब जाके हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को आसानी से पढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है, बच्चे लोग को यह चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, जबकि ऐसा नहीं, ये बहुत इजी होता है, बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आप हम जैसे बता रहे हैं तरीका, उस तरीका से आप पढ़िए, देखिए सारा चैप्टर इजी लगेगा, आसान लगेगा। अब देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन एक तत्व, देखिए दुनिया में जितने भी तत्व हैं उसको तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। इसमें से कार्बन अधातु है ना, इसके बारे में देखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। अब परमाणु द्रव्यमान जो है ये 12 होती है। इसके पहले हम कुछ देख लेते हैं, क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं कि पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह से बढ़ती है वो दिखाना होता, यानी 2n स्क्वायर पर आधारित होता। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, जहां n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर गुने तो यानी 2 हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरी कक्षा में, और दूसरी कक्षा में n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8, यानी दूसरी कक्षा में 8 हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दिया 9 और 9 दुनी 18, यानी तीसरी कक्षा में 18 हो जाता है। ये 2n स्क्वायर दिखाता है कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या भरा जाएगी वो कैसे भरा जाएगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में कितना होगा, दूसरी कक्षा में कितना होगा, इसका परमाणु संख्या 6। तो देखते हैं कि पहली कक्षा में क्या होगा, तो दूसरी कक्षा में कितना घट रहा, 4। अब देखते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता होती क्या है, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अब देखिए, किसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो 4, तो इसका संयोजकता भी 4 हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं कार्बन के गुण के बारे में। कार्बन के मेनली 4 गुण होते हैं, यही गुण गुणधर्म की वजह से धीरे धीरे हम समझेंगे कि इनके यौगिक इतना सारे क्यों होते हैं। अब देखिए 4 गुणधर्म, सबसे पहले सहसंयोजक, कोवेलेंट बॉन्ड, श्रृंखलन, कैटेनेशन, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन और समावयवता, आइसोमेरिज्म। ये 4 गुण को हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं
सहसंयोजक बंधन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, कार्बन ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही वो किसी से ग्रहण करता है। देखिए, इसमें खास गुण होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। अगर मान लीजिए इसके दो केस बनते हैं, मान लीजिए अगर एक किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है या किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है? समझते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर लेकर ऋणायन बनाता है, ऋणायन बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से लेकर ऋणायन बनाता है, तो क्या अगर यहां 4 है, 4 और ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अधिक इसको गेन करना पड़ेगा, जो इसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। हम बताए थे कार्बन की नाभिक में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। अब देखिए कि पहले यहाँ 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन पहले था, लेकिन अब कितना हो गया? 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 6 से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी यही करने में, 6 से 10 इलेक्ट्रॉन को करने में इसको काफी मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं, किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है तो क्या होता है? यानी किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है तो क्या होता है? अब देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि इसका परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। अब देखिए, ये 4 तत्व 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे को दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, जिसके पास बचेगा मात्र 2। अब 2 बचेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए इसको काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर देखते हैं, यह दूसरे तत्व के साथ क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, क्यों आयनिक बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है? बताए थे 2 कारण है। पहला, किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ऋणायन बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन अगर बनाता है तो इसका जो होता है कक्षा जो होता है 6 से 10 हो जाता है, यानी 2 और 4 में अगर 4 और ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, इसे काफी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, हम बताए थे कि इस तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन खोकर अगर धनायन बनाता है, यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बनाता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिससे इसको काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती। यही वजह है कि ये सिर्फ दूसरे तत्व के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जब 2 परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं तो इस साझा को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। समझते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन कहता है कि भाई तू हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये कहता है कि भाई तू हमको 1 दे दे। अब ये 1 दे देगा तो ये नहीं जिएगा, ये दे देगा 1 तो ये नहीं जिएगा। तो क्या करता है, दोनों बंधन बनाता है। जिस तरह से शादी में एक दूसरे को बंधन में बन जाते हैं, उसी तरह से ये दोनों आपस में बंधन बनाते हैं और 2 बंधन बना के रहते हैं। जब इसको काम चलता है, इसका काम लगता है तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब इसका काम लगता है तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी इस तरह से ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, ये कौन बॉन्ड है? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, 1 इलेक्ट्रॉन की, यानी 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, तो ये एकल आबंध हो गया, एकल बंधन हो गया, एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड हो गया ये। इसी तरह से देखते हैं हम ऑक्सीजन का, देखते हैं ऑक्सीजन का, देखते हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 6। हो जाएंगे। अब देखिए, इसको तो 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो ये बोलेगा कि भाई तू हमको 2 दे दे, ये बोलेगा तू हमको 2 दे दे। अब दोनों क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा,
यानी ये इससे दो ले लेगा और ये इससे दो ले लेगा, इसके भी पास हो जाएगा पूर्ण, इसके भी पास हो जाएगा पूर्ण, दोनों साझेदारी कर लिए। अब देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, 1 2 3 4 यानी दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, तो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो ये हो जाते हैं द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड, द्विआबंध यानी डबल डबल बॉन्ड, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 5 2 और 5। देखते हैं अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगी, तो 5 कौन सा जाते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, इसमें भी हम सजाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसको चाहिए 8, इसको भी चाहिए 8, ये इससे बोलेगा कि हमको दे दे 3, ये इस बोलेगा कि हमको दे दे 3, कोई तो देगा नहीं पर्सनली, जब भी लेगा तो साझेदारी करके लेगा कि जब मेरा काम है तो तुम दे दो, तेरा काम है तो हम दे देते हैं। ये क्या करेगा, आपस में 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर लेगा, तो 3 जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी जब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे, एक बार और देख लेते हैं, जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी करते हैं तो एकल बंध सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा सिंगल बॉन्ड। दो जोड़ी जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो द्विआबंध डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। 3 जोड़ी यानी 1 2 3 4 5 6, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो त्रिआबंध हो जाएगा यानी ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा। कभी कभी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल दर्शाएं, इसको आप लिख सकते हैं आपके नोट्स बनाने के लिए। देखिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं ना, आप लोग आराम से वीडियो रोक के उतार सकते हैं। देखिए सह संयोजक आबंध है ना, जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझेदारी करते हैं तो बीच के बने आबंध को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे मीथेन का देख लेते हैं, मीथेन में क्या होता है, देखिए कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, तो 1 2 3 4 लिख दिए, और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 1 लिख दिए। अब देखिए इसको चाहिए 2, इससे साझेदारी कर लेगा, इसको भी चाहिए 2, इससे साझेदारी कर लेगा, इसके को भी चाहिए 2, इससे साझेदारी कर लेगा, इसको भी चाहिए 2 तो इससे साझेदारी कर लेगा। कार्बन को 8 चाहिए तो देखिए 4 इसके पास है और 4 इससे ले लेगा, 1 2 3 4 और 4 इसके पास था, ये सबसे साझेदारी कर लेगा। ये कार्बन सबसे साझेदारी कर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये सिंगल बॉन्ड लिख दिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम अच्छे से समझा दिए हैं, आप उतार सकते हैं, स्ट्रक्चर यहां बना दिए, ठीक उतार सकते हैं। अब हम समझते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है वो एक तरफा त्याग होता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि उसमें साझेदारी होता है दोनों तरफ से, लेकिन नहीं इसमें एक ही तरफ से साझेदारी होता है। जैसे देखिए कैसे होता है NaCl में, हम जब लोग देखते हैं NaCl, देखिए सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 8 1, और क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 8 7, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसमें 7। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7, देखिए इसको
ये 7 इलेक्ट्रॉन और इससे ग्रहण करने में इसको काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और एक त्यागने में काफी आसानी होती है, इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है और इसका क्या एक अष्टक पूर्ण हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है वो एक तरफा होता है, यह है आयनिक बॉन्ड। आइए देखते हैं कार्बन के दूसरे गुणधर्म श्रृंखलन के बारे में। इसमें क्या होता है कि कार्बन में कार्बन के ही उनके अनेक परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रबल क्षमता होती है, अनंत क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यह गुण को हम एक चिपकू गुण कह सकते हैं, किसी के साथ भी चिपक जाता है, किसी के साथ भी आबंध बना लगता है। अब देखिए नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, किसी के साथ भी ये अपना रिलेशन स्थापित कर सकता है, बंधन बना सकता है। अब देखिए ये कैसे बनाता है कार्बन इनके परमाणु के साथ। अब ये काफी बड़ा हो सकता है, काफी छोटा भी हो सकता है, आपस में बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। श्रृंखलन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। अब देखिए इसी में पढ़ना है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये पढ़ना आगे। लेकिन हाँ इसी से रिलेटेड है, श्रृंखलन से रिलेटेड है। अब समझते हैं क्या ये श्रृंखलन का गुण सिर्फ कार्बन में ही पाया जाता है और तत्व में नहीं पाया जाता। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम पहले पूछे थे, पहले ये सवाल आया था मेरे मन में कि क्या कार्बन कितना यौगिक होने का क्या कारण है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये श्रृंखलन का गुण कार्बन में ही ज्यादा प्रबल होता है, दूसरे तत्व के साथ नहीं हो पाता। अब समझते हैं, एक होता हाइड्रोजन और सिलिकॉन। हाइड्रोजन और सिलिकॉन के 8, 7, 7, 8 परमाणुओं के साथ उसका आबंध अगर बनता है, बॉन्ड बनाता है, उनके यौगिक होते हैं, तो वो अति उच्च अभिक्रियाशील हो जाते हैं, जिसके वजह से वो अस्थायी होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। और इसमें है कार्बन में कितनों भी इसमें परमाणु आपस में जुट जाए ये अस्थायी हो जाते हैं, यानी टूटते नहीं। इसी यही वजह है कि इसके काफी मात्रा में यौगिक पाए जाते हैं। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। अब कार्बन के तीसरा गुणधर्म के बारे में समझते हैं, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या होता है, इसमें छोटे छोटे जो अणु होते हैं उसको बड़ मिला के बड़ा बड़ा छोटा छोटा मोनोमर को मिला के अनंत संख्या में पॉलीमर बना दिया जाता है। यानी समझते हैं कि मान लीजिए इथिन लेते हैं, इसका पॉलीमर करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, बहुलकीकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, पॉलीइथीन। मतलब इथीन का बहुलकीकरण हम करेंगे तो पॉलीथीन हो जाता है। इसी तरह से हम विनाइल साइनाइड इसका बहुलकीकरण करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल साइनाइड ये हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं समावयवता। समावयवता क्या है, समावयवता वैसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान परंतु उसका संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। अब इसको हम कई तरह से दर्शा सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 पेंटेन। इसको हम देखते हैं, इसको कई रूप से हम इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रक्चर किस तरह से हम इसको दर्शाते हैं, कितने रूप से इसको दर्शाते हैं, वो इसका अलग अलग हो जाएगा। अब देखते हैं, एक होता है पहला, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। इसको कैसे हम दर्शाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसका नॉर्मल एकदम सीधा बनेगा, जैसे यहां हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, आइसोपेंटेन। इसका देखिए, इसका संरचना एक जैसा नहीं बनेगा, अलग अलग हो जाएगा। इसको कैसे बनेगा देखते हैं, CH3, CH2,
CH2, CH3 एक यहाँ लगा देते हैं, CH3 हो गया। अब इसमें हम गिन लेते हैं कार्बन की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, और हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 3, 12, यानी C5 H12 हो जाएगा। इसमें भी हम गिनेंगे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12 हो जाएगा, यानी इसका सूत्र समान ही है, बस स्ट्रक्चर इसका भिन्न भिन्न हो जाता है। हम देखते हैं तीसरा नियो, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, पेंटेन इसको कैसे बनता है देख लेते हैं। CH3, CH3, CH, CH3, CH3 इसमें भी हम गिन लेते हैं, देख लेते हैं, 3 हाइड्रोजन पहले गिनते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 है ना। उसके बाद कार्बन गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 हो गया, ये 4 बन बनाता है कार्बन, इसलिए यहाँ 1, 2, 3, 4 ये हो गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन इसका सूत्र हम अगर जोड़ते हैं तो यही आता है C5H10। इसे अच्छे से उतार सकते हैं आप, नोट्स बना सकते हैं इसमें, है ना, इसमें हम अच्छा से लिख दिए। अब समझते हैं जीवन शक्ति सिद्धांत के बारे में। जीवन शक्ति सिद्धांत को बर्जिलियस ने दिया था, इसने कहा था कि कार्बन के जितने भी यौगिक पाए जाते हैं वो प्रकृति में ही पाए जाते हैं, जैसे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इमली में टॉर्ट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इन सारे जो अम्ल वगैरह यौगिक वगैरह जो पाए जाते हैं, कार्बन के यौगिक जो पाए जाते हैं, ये प्रकृति प्रदत्त ही होते हैं, इसे बनाया नहीं जाता है। सन 1828 में इसी का चेला फ्रेडरिक ओहलर ने एक लैब में अमोनियम साइनाइड को गर्म करने के उपरांत यूरिया को बना दिया। यूरिया बन जाने के बाद उन्होंने इस जीवन शक्ति सिद्धांत को खत्म कर दिया, क्योंकि अब कार्बन के यौगिक का निर्माण हो सकता था। तो सची कहा जाता है गुरु गुड़ तो चेला चीनी। अब देखते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में। कार्बन के मेनली 3 अपरूप होते हैं, प्रथम फ्लोरीन है ना, एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में उपयोग किया जाता है, ये बहुत चिकना होता है। उसके बाद देखते हैं हीरा, हीरा भी, हीरा कैसे, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और उच्च ताप पर देने पर ये शुद्ध हीरा का प्राप्त होता है। इसका उपयोग जेवरात वगैरह में बनाया जाता है, काफी कीमती होता है और काफी दुनिया का सबसे कठोर हीरा होता है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बटा होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन को पढ़ना है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन को पढ़ना है। इसके बाद इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर वगैरह को भी देखेंगे, नामकरण को देखेंगे, फिर आगे हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे। क्लास कल देखेंगे। थैंक यू।